हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग रूबी ठाकुर चैनल। माँ दुर्गा जी का तीसरा शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना का तीसरे दिन ये पूजा चंद्रघंटा, माँ चंद्रघंटा का पूजा होता है। माँ चंद्रघंटा नवरात्रि के यह साधना का श्रेष्ठ समय होता है। नवरात्रि के 9 दिनों में 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, 1 मन इस 11 को संचालित करता है। इस तरह माँ दुर्गा जी के तीसरे शक्ति का नाम है चंद्रघंटा। नवरात्रि उपासना के तीसरे दिन इन्हीं के विग्रह पूजन अर्चना किया जाता है, इसलिए कहते हैं माँ चंद्रघंटा। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक कल्याणकारी है। बाघ पर सवार चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण सोने की तरह चमकीला होता है। इनके मस्तिष्क में घंटे के आकार का अर्धचंद्र विराजमान होते हैं, इसीलिए इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। 10 भुजाओं वाली देवी हर हाथ में अलग अलग शस्त्र से शोभित रहती हैं। इनके गले में सफ़ेद रंग का फूल होता है। इनका मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने वाला होता है, युद्ध करने वाला होता है। इनके घंटे किसी भयानक ध्वनि से अत्याचारी राक्षस जो है वो डर जाता है, दुष्ट का दमन करती है, विनाश करने वाले का जो है विनाश करती है। वैसे अत्यंत सौम्यता और शांति के परिपूर्ण रहती है, भक्तों के कष्ट को निवारण करती है। और भी माँ चंद्रघंटा के भक्त उपासक जहाँ भी जाते हैं, लोग उन्हें देखकर शांति का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा जो भी ये इसका उपासक होते हैं या व्रत करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं। उनके शरीर में दिव्य प्रकाश, एक तरह का वो उनके में दिखता है, जिसको आप बोलिए कि वो फिजिकली शारीरिक रूप से स्वस्थ निरोग रहते हैं, चिरायु रहते हैं, सुखी और संपन्न रहते हैं। इनकी आराधना से, माँ चंद्रघंटा की आराधना से, जो इनके व्रत करने वाले होते हैं, जो इनका पूजा करने वाला होता है, वो चिरायु होते हैं, उनकी जिंदगी लंबी होती है और आरोग्य होते हैं, स्वस्थ रहते हैं और सुखी रहते हैं और धनवान रहते हैं, धर्मान, पुत्रवान और भी जिस चीज़ में उन्हें खुशी मिलता है, सभी चीज़ उनके पास रहता है। माँ चंद्रघंटा की कृपा से व्रत करने वाले या इनका साधना करने वाले को समस्त पाप और बाधा उसका नष्ट हो जाता है। इनका वाहन सिंह है, अतः इनका जो उपासक है, जो इनका साधना करता है, जो इनका व्रत करता है, सिंह की तरह पराक्रमी निर्भय हो जाता है। तो इस तरह माँ चंद्रघंटा तीसरे दिन हमने बताया कि माँ चंद्रघंटा का उपासना करने से क्या क्या फल मिलता है, इनकी पूजा विधि मैं अभी बताती हूँ आपको। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनको बहुत क्रोध आता है, छोटी छोटी बातों में चिढ़ जाते हैं, तनाव पूर्ण हो जाते हैं, वो माँ चंद्रघंटा की भक्ति करें, उपासना करें, उनका व्रत करें, पूजा करें, तो वो उनको जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाएगी और इनकी कृपा से खुशी ही खुशी रहेगी उनकी ज़िंदगी में। इनकी पूजा माँ की को शुद्ध जल और पंचामृत से स्नान कराएं। अगर वो आपके पास चांदी की मूर्ति हो या किसी चीज़ की तो करें, या इसमें अगर कैलेंडर हो या वो हो तो जल छिड़क के उनको नए कपड़े से, लाल रंग के कपड़े से उनका सफाई कर दें, पोछ दें, और अलग अलग के फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर सब से पूजा करें। केसर दूध से बना मिठाई, खीर का भोग लगाएं। माँ को सफ़ेद कमल, लाल गुड़हल और गुलाब के माला जो है
वो पहना सकते हैं और उनसे पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं माँ का, और माँ का जप करें, या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संहिष्टता नमस्तस्य 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 नमो नमः। इस तरह करके माँ का मंत्र पढ़ें, स्तुति मंत्र पढ़ें और माँ का पूजन करें। आज बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में माँ के चौथे रूप में। आज तीसरा रूप, पहला रूप हमने दिखाया, दूसरा भी रूप हो गया ब्रह्मचारिणी का, तीसरा रूप चंद्रघंटा का। फिर अगले रूप के वीडियो बनाती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। माँ आप लोग को, सभी हमारे दर्शक को सुखी रखे, स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे, उनकी सब मनोकामना पूरी करे। बस इतना ही, लेती हूँ इजाज़त आप लोग से, तब तक के लिए नमस्कार।